जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। सपने दिखाने वाले लोग नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते हैं। तो सुना आपने नितिन गडकरी को, तो आखिर कौन है ये शख्स जो सपने दिखाता है? आखिर कौन है ये सपनों का सौदागर? क्या ये सोनिया गांधी है? क्या ये राहुल गांधी है? क्या ये मनमोहन सिंह है? जी हाँ, बहुत स्पष्ट है। और मैं बगैर लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं नितिन गडकरी किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। आप सुन चुके हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं फिर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नितिन गडकरी कहते हैं कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसीलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकें। मैं सपने दिखाने वाले में से नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूं। नितिन गडकरी अपना दावा ठोक रहे हैं दोस्तों। न सिर्फ दावा ठोक रहे हैं बल्कि वो कई स्लोगन्स पर भी हमला कर रहे हैं। वो कौन से स्लोगन्स हैं? अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुआ नारी परवार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। तो ये तमाम बातें कही गई जुमलों के तौर पर आई गई और उसके बाद ये वादे पूरे थे और हमें कहीं ना कहीं नफरत के माहौल में उलझा कर रखा गया, हिंदू मुस्लिम की सियासत में उलझा कर रखा गया। दोस्तों, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता हूं और ना न्यूज क्लिक की बढ़ाई करना चाहता हूं, मगर बोल की लब आजाद है तेरे में पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि आरएसएस किस कदर मोदी से नाराज है। आरएसएस ने मोदी सरकार पर उनके सबसे संवेदनशील मुद्दों सैनिकों को लेकर हमला किया। वो मुद्दा याद है ना आपको, जब उन्होंने कहा कि शांति काल में भी आखिर सैनिक क्यों मर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए क्या कहा था मोहन भागवत ने। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है, जब युद्ध आता होता है। अपने यहां पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है, इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस वक्त नितिन गडकरी को पूरा विश्वास, काफी हद तक विश्वास हासिल है आरएसएस का, और आरएसएस काफी हद तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों से असहज दिखाई दे रही है। जिस तरह से वो खुद को प्रमोट कर रहे हैं और बाकी पार्टी में सब लोग जो हैं वो दोयम दर्जे पर चले गए, आरएसएस की भी कहीं ना कहीं वो कभी कभी बात नहीं सुनते हैं। यही नहीं, नितिन गडकरी का एक और फायदा है दोस्तों, विपक्ष में वो एक एक्सेप्टेबल चेहरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और जो उसके इंटरनल पोल्स उभर कर आ रहे हैं वो ये सामने उभर कर आ रहा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 200 तक नहीं पहुंचे, और अगर विपक्ष ने अपने कार्ड्स अच्छे से खेले तो ये आंकड़ा जो है 160 तक जा सकता है। मगर अगर 160 तक भी गया तब भी हो सकता है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो। ऐसे में उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए जिसके विपक्ष के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, जिसके चंद्रबाबू नायडू के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, जिसके अखिलेश यादव के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, जिसके ममता बैनर्जी, नवीन पटनायक, इन तमाम नेताओं के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो नहीं हो सकते, क्योंकि अमित शाह ने अपने अहंकार के चलते विपक्ष को तो नाराज किया ही है, क्योंकि देखिए विपक्ष और सरकार के बीच में संवाद की हमेशा से गरिमा रही है। वो जो लड़ी रही है ना, वो जो लिंक रहा है, उसे अमित शाह ने काट दिया है। अब गरिमा की तमाम हदें टूट चुकी हैं। यही वजह है कि इस वक्त नितिन गडकरी एक एक्सेप्टेबल चेहरे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, और यही वजह है कि उन्होंने सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है। मगर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, नितिन गडकरी मास लीडर नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा मास लीडर इस वक्त पूरे भारत में नहीं। अगर नरेंद्र मोदी की अनदेखी करके
बीजेपी या आरएसएस नितिन गडकरी को प्रमोट करेगी तो बीजेपी का काडर कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि मैं किसे जो है अपना समर्थन दूं, और ये एक इंटरनल वॉर की तरह सामने उभर कर आएगा। और ऐसा नहीं कि इंटरनल वॉर आने नहीं वाला है दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही की बात है ये खबर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सांसदों का पॉपुलैरिटी टेस्ट करने जा रही है, लोकप्रियता का टेस्ट, यानी कि वो जनता में जाके पता करेगी कि उसका सांसद कितना लोकप्रिय है और इसी आधार पर उसे टिकट भी दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो पार्टी के अंदर एक अजीबोगरीब बगावत की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि देखिए इन तमाम सांसदों को अपने तो कोई राइट्स हैं नहीं, उन्हें पूरी तरह से निर्भर करना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, और जब उन्हें टिकट्स नहीं मिलेंगे तो बगावत का झंडा बुलंद किया जाएगा। तो आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिलचस्प होने वाले हैं दोस्तों। नितिन गडकरी हो सकता है इस पर फिर से स्पष्टीकरण दें कि मेरा हमला मोदी पर नहीं था। नितिन गडकरी जी का इशारा राहुल गांधी की तरह है, जो महाभारत में उत्तर कुमार के तरह बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं, बड़े नाटक करते हैं, नाटकीय अंदाज में भाषण देते हैं, बट लेकिन करने की क्षमता कुछ रखते नहीं है। मगर यकीन मानिए दोस्तों, ये बात अपने आप में कहना बहुत मायने रखती है, क्योंकि नितिन गडकरी भी जानते हैं कि किस तरह से अब अपने जो दुलारे नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो मोदी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। चाहे वो आलोक वर्मा की बात हो, उर्जित पटेल तो रिजाइन कर ही चुके हैं, अरविंद सुब्रमण्यम जो हैं वो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, पद छोड़ने के बाद उन्होंने आलोचना की मोदी सरकार की नोटबंदी को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुधांशु धर मिश्रा ने, जो कि बैंकिंग एंड सिक्योरिटी फ्रॉड सेल का हिस्सा थे, इन्होंने जनवरी 22 को FIR पर दस्तखत किए थे। किसके खिलाफ? वो था MD और CEO ICICI बैंक चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोक्रॉन ग्रुप के VN धूत, उन्हें बुक किया था। और जैसे ही उन्होंने FIR पर दस्तखत किए, अगले ही दिन उन्हें रांची ट्रांसफर कर दिया गया। और न सिर्फ रांची ट्रांसफर किया गया दोस्तों, अरुण जेटली ने एक बहुत ही अजीब और गरीब बयान दिया। अरुण जेटली ने क्या कहा कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए जब मैं ICICI केस में संभावित आरोपियों की सूची देखता हूं तो मेरे मन में वही ख्याल फिर से आ रहा है, मुख्य टारगेट पर फोकस नहीं करने से ये कहीं नहीं लेकर जाने वाला है। जी हां, यानी कि आप अपने अधिकारियों, अपने CBI ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स में, ऑफिशियल्स में भी ये एक छोटी सी बगावत के तौर पर उभर कर आ रही है। नितिन गडकरी को इस बात का आभास है, लिहाजा आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आपने ये बोल के लब आजाद हैं में सुना था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और मेरी आपसे अपील है कि आप बोल के लब आजाद हैं तेरे को लाइक और शेयर करें, और न्यूज़ क्लिक के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।